आज के वीडियो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ पे है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जिनके रिव्यूज़ है। तो सबसे पहले है नायसिनामाइड। ये आपके पोर्स, ओपन पोर्स को श्रिंक करने में काम करता है, मगर आपको फिर भी पेशेंसली इसको यूज़ करना होगा। लाइक अराउंड आधी से ज़्यादा बॉटल जब यूज़ हो जाएगी, लाइक नियर वन, तब आपको फील होगा कि आपकी स्किन पे कुछ डिफरेंस आ रहा है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप फेस वॉश करने के बाद दिन में या रात में किसी भी वक्त इसे लगा सकते हैं, इवन मेकअप से पहले भी, रात को सोने से पहले भी। मगर इसे लगाने के बाद आप इसके साथ कोई और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड। ये एक ऐसा एसिड है जिसकी कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है, मगर इसको लगाने से पहले आपकी स्किन होनी चाहिए वेट, लाइक के थोड़ी गीली होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। आपका जो भी चीज़ आप लगाते हो ये इसको बूस्ट करता है, स्किन को बहुत ग्लो देता है। जिन बच्चों को नहीं पता, लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को, कि कौन सा सीरम यूज़ करें, तो ये सीरम यूज़ करके मॉइस्चराइज़र मस्ट लगाते हैं। नायसिनामाइड जो होता है आपका आहिस्ता आहिस्ता स्किन ब्राइटनिंग भी करता है और हाइलुरोनिक एसिड फ्रेश करता है, आपकी स्किन को बूस्ट करता है। अब बात करते हैं रेटिनॉल की। दिस इज़ द परफेक्ट सीरम फॉर एंटी एजिंग। कोई भी एंटी एजिंग क्रीम होती है उसमें ये मस्ट होता है, मगर आपने कभी भी हार्ड से स्टार्ट नहीं करना, लाइक बहुत माइल्ड से स्टार्ट करना है, 0.5 या 0.1, और इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है अगर आपको सूट करती है। सेंसिटिव स्किन, सबसे पहले आपने इसको चेक करना है हाथ के बैक साइड पे, देन यू हैव टू अप्लाई इट एनीवेयर, अदरवाइज ये होता है कि आपको रिएक्शन भी कर जाता है। इसमें ये होता है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता लाइक वंस इन अ वीक लगानी है, फिर अगले नेक्स्ट वीक पे ट्वाइस इन अ वीक, और दो से ज़्यादा दफ़ा नहीं लगाते, बहुत हो गया तो थ्री टाइम्स। ये समटाइम्स जो एक्नी होती है उनको भी रिड्यूस करती है, बट अगेन इसे सिर्फ और सिर्फ रात में लगाते हैं, दिन में बिल्कुल भी नहीं लगाते, और रात में भी लगा के मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। और जब भी आप स्किन केयर यूज़ करें, स्पेशली रेटिनॉल, तो सनब्लॉक का इस्तेमाल मस्ट करना है, लाइक मस्ट। सनब्लॉक का वैसे तो करना ही करना होता है, बट रेटिनॉल के थ्रू के साथ आपने ज़रूर करना है, वरना आपकी स्किन डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी हो सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट सीरम जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये आपके स्किन के पिगमेंटेशन और वाइटनिंग करने के काम भी आता है, मगर इसको सिर्फ यूज़ वही करते हैं जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है, अदरवाइज़ ये आपका जो नॉर्मल स्किन होती है उसका ऑयल एब्जॉर्ब करता है। तो इसे सिर्फ तब लगाते हैं, और ये बेसिकली लगा के लाइक 5 to 7 मिनट छोड़ते हैं, फिर इसे वॉश कर लेते हैं। ये सीरम नहीं है, ये इज़ बेसिकली सॉर्ट लाइक अ मास्क। अब अगली जो प्रोडक्ट है विटामिन सी, इट इज़ बेसिकली फॉर वाइटनिंग। ये क्रीम है मगर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें मैंने इन सब पे मैंने अलग अलग वीडियोस भी बनाई हैं, मगर ये ज़रा डिटेल है। इसका ये किस तरह यूज़ करते हैं कि आप सिंपल भी कोई से भी मॉइस्चराइज़र के साथ एक ड्रॉप यूज़ करें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन के साथ तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहता है। लाइक मेरी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव स्किन नहीं है, बट स्टिल मुझे बहुत हार्ड सी लगी, तो व्हाट आई यूज़ टू डू, बिकॉज ले तो ली थी, इतनी महंगी सी वेस्ट नहीं हो सकती, सो मैं इसे किसी भी क्रीम या मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके लगाती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लगे स्किन पे। अगेन इसे भी यूज़ करने के बाद आपने सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है डेली बेसिस पे, कोई भी स्किन केयर यूज़ करें ना करें लगानी मस्ट है। अब बात करते हैं लैक्टिक एसिड के। इट इज़ बेसिकली यूज़ एज अ टोनर, और आपकी डल स्किन को ख़त्म करने के लिए लैक्टिक एसिड बेसिकली दूध दही वाले होते हैं जो मास्क वगैरह इस तरह से लगाते हैं। इट इज़ बेसिकली प्रोवाइड यू अ ग्लो। AHA BHA में भी लाइट सा होता है, मगर ये कि ये बहुत माइल्ड सा होता है, ऐसा मुझे इतना कोई फ़ायदा से नहीं लगा सिवाय इसके कि ग्लो में आए। और एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं, जिनको स्किन बर्न और सनस्क्रीन के इश्यूज़ होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन यू हैव टू चेक आइदर आप इसे सन दिन में यूज़ कर सकते हो या रात को। इट इज़ रिटन एट द बैक साइड ऑफ द बॉटल। अब बात करते हैं आई सीरम का। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि अंडर आई सीरम होते हैं उसमें मोस्टली कैफीन होती है, मीन्स के कॉफ़ी होती है, जो कि आपकी अंडर आई डार्क सर्कल्स को, पफिनेस को कम को रिमूव करने के काम आते हैं, ये कहा जाता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ पफिनेस के काम आती है। और जिनको माइग्रेन होता है उनको कैफीन यूज़ करने से डबल माइग्रेन हो जाता है, तो सो जिनको माइग्रेन है वो इसे बिल्कुल यूज़ ना करें। और एक बात मेरी याद रखें, डार्क सर्कल सोने से और पानी पीने से और खीरा खाने से कम होती है, ये यूज़ करने से आपकी सिर्फ पफिनेस कम होती है, डार्क सर्कल्स ऐसा जितना यूज़ मतलब ख़त्म नहीं होते। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक प्रॉपर नींद, ठीक है, उसके अलावा और कोई ऐसा जितना ख़ास रिजल्ट नहीं आएगा। सो ये बहुत क्लियर कट बात है।
इसे या तो रात को यूज़ करें बेस्ट रिजल्ट के लिए, नहीं तो दिन में भी आप नॉर्मल रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, मेकअप के बगैर भी और मेकअप के साथ भी। अब बात करते हैं जिनको एक्ने का मसला होता है, जो AHA और BHA यूज़ करने पे मजबूर हो जाते हैं, ये समटाइम्स स्किन बर्न भी कर देती है, तो इसे सिर्फ तब यूज़ करें जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करें, अदरवाइज़ डोंट यूज़ इट, क्योंकि स्किन का मामला होता है, बहुत सेंसिटिव होता है वो। बट कहा यह जाता है कि ये हमेशा अपर लेयर जो होती है स्किन की उसको एक्सफोलिएट कर देता है, जिसकी वजह से स्किन ब्राइटनिंग का भी सीन होता है, ब्लेमिशेस और एक्नी यानी दाने और उसके दाग धब्बे हटाने के काम भी आता है, बट अगेन मैक्सिमम ट्वाइस इन अ वीक, इससे ज़्यादा नहीं। अगर स्टार्ट आप ये करें कि वंस इन अ मंथ देन वीक पे जाएं और मैक्सिमम टू टाइम्स इन अ वीक। ये सब कुछ सबसे ज़्यादा फेमिलियर और सबसे ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट्स हैं जो मोस्टली यूज़ करते हैं नॉर्मली और जिनके बारे में पूछा जाता है, बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना हो जस्ट कमेंट बिलो, आपको उधर भी आंसर मिल जाएगा, बट अगर आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो मैंने इंस्टा का लिंक ऐड कर दिया नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप उसमें जाएँ और मुझे DM करें, DM में आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि आपने YouTube का चैनल सब्सक्राइब करना है और इंस्टा का फॉलो करना है, ताकि आपको और भी जो भी रिव्यूज़ होते हैं वो मिलते जाएँ और आपने कुछ पूछना हो आप पूछते जाएँ। आई होप ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी, डू टेल मी आपको कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।